आज हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इतना आसान है कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से थोड़ा सा ध्यान देके समझ सकता है। इसमें कौन कौन से तत्व रासायनिक अभिक्रिया भाग लिया है, देखिए एक है अभिकारक, जो तीर के बाईं ओर होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और तीर के जो दाईं ओर होता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, देखिए परमाणु कौन कौन भाग लिया है, तो कौन कौन परमाणु भाग लिया, यहाँ पे सोडियम भाग लिया है, तो पहले अभिकारक लिख लेते हैं। अभिकारक कौन कौन है इसका, देखिए तो लिखिए अभिकारक, क्या अभिकारक, अभिकारक कौन कौन सा अभिकारक है, तो अभिकारक इसमें है सोडियम, क्या है सोडियम, और क्या है ऑक्सीजन, और क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखाइए क्या, सल्फर, क्या है सल्फर, और ऑक्सीजन लिखाइएगा, ये चार गो है, एगो सोडियम है, एगो ऑक्सीजन है, एगो हाइड्रोजन है, फिर वही हाइड्रोजन है सोडियम, अरे क्या है सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये सब तो आपको आता है ना, पढ़े हैं ना सतमा में, पढ़े आठवां में पढ़े ना, पढ़े हाइड्रोजन एच हीलियम ये सब पढ़े ना, हाइड्रोजन हीलियम नहीं पढ़े तो याद करना पड़ेगा सब कानून सूत्र, सभी परमाणुओं को आपको बोले थे ना 20 तक 25 तक 30 तक याद करना पड़ेगा, वही याद करना पड़ता है सबका, तो आपको परमाणु संख्या के भी याद होना चाहिए, सोडियम का 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 16 होता है, याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, है ना, बचपन का जो पढ़े थे ना मैट्रिक में काम आएगा, मैट्रिक में काम आएगा, तो कहाँ काम आएगा, यहीं पे काम आएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए सोडियम एक्चुअली कै गो है, सोडियम यहाँ पे कै गो है, इसमें सोडियम ए गो है, ऑक्सीजन कै गो है, ऑक्सीजन एक गो है, हाइड्रोजन कै गो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ए गो यहाँ पर है, दो गो यहाँ पर, क्या गो हुआ तीन गो, सल्फर का गो है सल्फर, आज देख लेते हैं सल्फर का गो है सल्फर एक, तो ऑक्सीजन का गो है ए गो यहाँ पर था, चार गो यहाँ पर था, क्या गो हो गया पांच गो हो गया, ये सब हो गया, समझ में आ गया, इधर का गो सोडियम है, का गो ऑक्सीजन लिख लिए। अब अभी अब उत्पाद में देखिए, क्या उत्पाद, उत्पाद में आप देखिए वही चीज, उत्पाद में भी वही चीज सब होगा, क्या सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, देखिएगा क्योंकि जो चीज़ रखिएगा वही ना बनेगा। अब खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल काजू किशमिश बादाम रखे हैं, तो दूध बनने का दूध में, खीर बनने के बाद खीर में क्या होगा, वही होगा चावल होगा, दूध होगा, काजू किशमिश बादाम होगा, चीनी, ये ना होगा, जो चीज़ आप रखिएगा बनाने के लिए अभिकारक में उत्पाद में वही चीज़ बना होगा, वहीं थोड़ी ना आप काजू किशमिश नहीं डालिएगा काजू किशमिश आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, खीर में जो चीज़ डालिएगा वही ना रहेगा, उसी प्रकार से जो अभिकारक भाग लिया वही ना इधर बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम है, ये क्या सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और कुछ है नहीं, आ सबको यहाँ लिख दिए। आप देखिए सोडियम का है यहाँ पर दो गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का है, देखिए ऑक्सीजन चार गो है, एगो पाँच गो, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन देखिए क्या गो है दो गो, और सल्फर का है यहाँ पे एक गो है यहाँ पे। अब आप देखिए कि क्या सोडियम बराबर है, नहीं सोडियम बराबर नहीं है, क्या ऑक्सीजन बराबर है, हाँ तो ऑक्सीजन बराबर है, चलो ये दोनों बराबर हो गया बेचारा, ये दोनों बराबर नहीं था, हाइड्रोजन बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, इधर तीन गो है या कहीं दुई गो है, सल्फर इधर बराबर है, सल्फर बराबर है बेचारा, मतलब दो गो बराबर है, दो गो बराबर एको को बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित हो गया, क्या हो गया, तो दोनों को करना पड़ेगा संतुलित, क्या करना पड़ेगा हमको, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देखें क्या कि सोडियम एक गो है, वहाँ पे हमको चाहिए दो गो, दोनों को बराबर करना है दो दो, तो दो गो करना है ना, तो इधर हम दो लगा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे दो लगा देते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप दो लगाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा इतना गौर से, यहाँ पे दो लगा दिए, यहाँ पे दो, तो दो लगाया ना, तो सोडियम हो गया दो गुने, अगला कुछ नहीं तो एक है, तो दो गुने एक कितना हो गया दो ना, दो गुने एक गुना होता है यहाँ पे, दो एक आई दो, तो दो गो सोडियम हो गया, आप क्या हो गया सोडियम दो गो, ऑक्सीजन तो अब तक दो गो हो गया ही बेचारा, दो गो हो गया, परंतु जैसे यहाँ दो लगाया तो ऑक्सीजन भी बदल गया और हाइड्रोजन भी बदल गया, अब पहले ऑक्सीजन क्या गो था, अब क्या गो देख लेते हैं, अब हो गया क्या गो दो गो, क्या हो गया अब दो गो, और चार गो क्या हो गया, अभी छ गो हो गया, क्या हो गया छ गो, हाइड्रोजन क्या हो गया, पहले था क्या गो हाइड्रोजन तीन गो, एगो यहाँ पर और दो गो यहाँ पर, तीन गो था, अब क्या हो गया दो गो और दो गो चार गो, अब हाइड्रोजन हो गया चार गो, हाइड्रोजन क्या हो गया चार गो, आज सल्फर तो नहीं बदलेगा, सल्फर तो होने का ही ना अलग छटाए है,
प्लस के कार्य अलग छटाएल है, मगर दू यहाँ लगाए हैं खाली एक बराबर करने के, मगर इो गड़बड़ा गया, इो गड़बड़ा गया आपका। आए समझ में कि नहीं आया? अब देखिए ना, आपका दू एक दू तो हो गया, दू गो हो गया, दू गो इो हो गया, दू गो इो हो गया, तो एक काम हो गया बढ़िया। अब एक फिनिश, ये क्या हो गया आपका सोडियम, सोडियम का काम फिनिश हो गया, ये भी प्रिया क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए अभी सोडियम का काम तमाम हो गया। परंतु ऑक्सीजन जो बेचारा पहले बराबर था, अब वो गड़बड़ा गया, यानी कार्य छः गुण कार्य पाँच, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया, पहले था पहले गड़बड़ था, अभी वो गड़बड़े है, है ना। हमारा सल्फर पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, मगर अब हम क्या करें, सबसे गड़बड़ हो रहा है क्या, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को बदलना चाहते हैं हम, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को चेंज करते हैं। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर कार्य क्या गो है, चार गो, हाइड्रोजन को पहले बदलते हैं, यह चार गो है, कार्य क्या गो है, दो गो, तो हम हाइड्रोजन इधर दो गो है, चार गो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अब यह क्या हो गया, बोलिए, दूना दो दूना चार, हाइड्रोजन हो गया चार, ठीक है। मगर आप इसके पहले लगाए हैं तो ऑक्सीजन तो बदल गया, तो ऑक्सीजन इधर आप क्या हो गया, पहले इधर था एलन चार गो, आज दो एक आए दो, चार गो दो गो छ, ऑक्सीजन हो गया छ गो, वाह ऑक्सीजन भी हो गया। हम बनाए हैं किसको, हाइड्रोजन को, परंतु ऑक्सीजन भी बैलेंस अपने आप हो गया, बढ़िया बात है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और सल्फर तो पहले से बैलेंस था, और सल्फर वाला में कुछ करबो नहीं किए, तो अभी भी बैलेंस है। अब देखिए, अब आप देखिए, सोडियम दो इकाई दो करेक्ट, ऐसा सोडियम क्या हुआ है, दो इकाई एक, एक गुना दो क्या दो, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इधर है ए दो इकाई दो और चार छ, यहाँ क्या गो है चार गो और दो इकाई दो छ गो, ऑक्सीजन भी कंप्लीट। हाइड्रोजन का गो है दो इकाई दो और दो और दो चार, यह क्या गो है दो दूना चार, ये भी बैलेंस हो गया। और सल्फर का गो है, सल्फर यानी कार्य क्या गो ए गो, यानी कार्य सल्फर का गो है ए गो, ये भी बैलेंस, सब बैलेंस हो गया। इसे कहते हैं बैलेंस्ड समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले क्या था अब क्या बना दिए, अब समझ में आ रहा है, ये सब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ रहा है ना इसमें। अब हम फिर लगा के देखते हैं, दो तीन को बनाएंगे, कई सर हमको तो नहीं आया, कैसे कैसे कर दिए हैं, तो आपको ऐसे आएगा भी नहीं। अब कोई आदमी साइकिल चला रहा है, आपको देखे साइकिल चला देख लिया, हो गया आ गया समझ में, कैसे आएगा, जब तक साइकिल चलाएंगे नहीं हम, तब तक कैसे आएगा, कैसे हमको चलाइएगा, गिरिएगा, ठेवना उना फूटेगा, गोर हाथ टूटेगा, साइकिल फूटेगा टूटेगा, तब ना साइकिल चलाने आता है, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा सीधे कि बैठे हैं सीधे चलाना सीख गए, ऐसे शायद कुरोली का सीखा होगा, लाखों में एगो सीखा होगा कि जो साइकिल में बैठा और बस चला रहा है आसानी से, ऐसा नहीं होता, कोई भी चलाना शुरू में करता है ना तो गिरता है शुरू में। तो उसी प्रकार से जब इसको आप चलाना सीख बनाना सीखिएगा तो आपको क्या लगता है, एक बार में गए फटाक दे बना लीजिएगा, नहीं, आपको बनाइएगा, गलती होगा फिर बनाइएगा, गलती होगा, बनाते बनाते जब रहिएगा ना तो आपको अपने आप बनने लगेगा वो, हाँ, मगर आप हार जाइएगा, कहिएगा दूर हमसे नहीं बनने वाला, छोड़ इसको कहाँ बना के करेंगे, तब तक पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे, कल पीटेंगे आपको खूब बढ़िया तरह से, आपको फिर वही करना ही पड़ेगा, मतलब सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कहाँ ला ऐसा काम कीजिएगा, सीखिए जाइए बढ़िया से, हम सिखा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का वो है, अब हम लोग आओ लिखे उखेंगे नहीं, सीधे मौखिक बना, चलो लिख के बता दे थोड़ा सा, चलो हाइड्रोजन का गो है कार्य बता दो, ए गो और दू गो, क्या गो हाइड्रोजन का गो है दू गो, हो गया। नाइट्रोजन का गो है कार्य ए गो, एने का नाइट्रोजन का गो है बुआ एक गुणे दू दू गो, इधर ऑक्सीजन का गो है ऑक्सीजन तीन गो है ने और दू गो ने पांच गो, पांच गो ही कारी हो गया, इधर ऑक्सीजन का गो है इधर कारी में आए तीन दुना छ गो और छ गो एगो सात गो, और है हाँ हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम का गो है इधर ए गो है, ब्रैकेट के बाद में है दू, तो आई में दू अब गुना होगा, आई में दू गुना नहीं होगा, है नहीं अलग है, ऐसा कैल्शियम का गो है, कैल्शियम तो बेचारा ठीक है, कौन कौन संतुलित है,
खाली कैल्शियम संतुलित है, बाकी कोनो संतुलित नहीं है, बाकी सबको आपको करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं इसमें। अभी हम सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन यार तीन गो है यार, दो ना ही अभी नहीं कर सकते, छोड़िए इसको। हाँ सोडियम को करिए, नाइट्रोजन को कीजिए, किसको दो गो है कार्य, एक गो नाइट्रोजन कहने कार्य, देखिए नाइट्रोजन इधर में यहाँ है, इसमें क्या कर रहे थे हम, दो से राधे कृष्ण की ज्योति आलोकिक। देखिए तो अब क्या हुआ कि इधर क्या गो है बताइए तो बुआ, सोडियम क्या गो है, इधर सोडियम क्या गो है, सॉरी सोडियम नहीं है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक गो है निकाली दो गो है, तो हम दो लगा दिए निकाली, तो अब नाइट्रोजन क्या गो हो गया, दो गो तो हो गया ही, ये तो मजेदार बात है, दो गो हो गया, परंतु आप नाइट्रोजन को बदले हैं तब हाइड्रोजन भी आप, फिर हाइड्रोजन गणिया क्या गो है, दो गो चार गो, हाइड्रोजन क्या गो हो गया, अब इन्हें हो गया चार गो, उन्हें थोड़ी ना बदलेगा, हम तो इन्हें लगाए हैं खाली दो, तो अभी मैंने बदलेगा खाली है, अच्छा नाइट्रोजन बदल गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बदला होगा, तो ऑक्सीजन क्या हो गया तीन दुना छह गो दो गो आठ गो हो गया। चलिए अभी कौन कौन बदल गया, अभी कौन कौन बैलेंस हो गया, सिर्फ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इसका काम तो हो गया ना, मगर नाइट्रोजन बदले हैं तो हाइड्रोजनों बदला है ऑक्सीजनों बदला, क्या कि दोनों सब तीनों साथी ना है ना, चाहते हैं सब ना बदलेगा, तका ना बउआ वैसे ही बतियाई है, सबसे बनवाएंगे बउआ, उस समय में रोइएगा ना तो बड़ी मां मारेंगे फिर हम। देखिए अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर क्या गो है, यहाँ पे क्या गो है, तो इसको चार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो दो से गुना करने के लिए दो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, लगा दिए, तो ये तो हो गया क्या गो, दो गुना चार गो हो गया, मगर ऑक्सीजनों तो बदल गया ना, बदल गया, एने ऑक्सीजन क्या को था सात, अब जुड़िए क्या को है ऑक्सीजन, तीन दुना ई का हो गया दो गो आठ गो, ऑक्सीजन हो गया आठ गो, ले लीजिए अब तो बढ़िया बात हो गया भैया, हम खाली हम कहे क्या हाइड्रोजन हो गया कथी और ऑक्सीजनो हो गया, कैल्शियम तो मेरा पहले से था, हो गया सब संतुलित बन गया, आप देख लीजिए सब में बराबर बराबर है कि नहीं है, समझे, आप जो निकाल के देख लीजिए सब संतुलित है कि नहीं, तो इस प्रकार से असंतुलित को संतुलित करते हैं और बहुत ही आसान होता है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होने वाली है, और एग्जांपल बताएंगे आप तो समझ में आएगा, दो को बताएं तीसरा बताते हैं, देखिए समझिए क्या तीसरा बनाते हैं, सोडियम है ना बुआ, चलिए आप लोग ध्यान से बताइएगा, अब आप लोग बताइएगा कैसे करेंगे, ये क्या है Na, Na माने क्या होता है सोडियम, और क्या है क्लोरीन, और क्या है Ag माने चांदी, और N माने क्या है, ये N है सोडियम, और क्या है ऑक्सीजन। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या है उसको समझने में ना आता है कथी 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 कि उसको समझ में ये नहीं आता होगा कि Na सोडियम हो गया, ये Na वाला नाइट्रोजन हो गया, तो आप संकेत याद नहीं किए हैं, परमाणुओं का संकेत याद कीजिए, सात नौमा का किताब लीजिएगा विज्ञान, उसमें रसायन शास्त्र होगा, रसायन शास्त्र में निकाल के परमाणु का परमाणु संख्या और संकेत याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, नहीं याद कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा आपको, हमको ना आप जो याद किया जो बचा उनको पता है कि सोडियम है क्लोरीन है Ag माने चांदी है ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है, कैसे पता चलेगा आपको, आपको याद करना पड़ेगा तभी आप पता चलेगा, है ना, जो याद किया उसको भी पता नहीं है कि Ag क्या है, क्योंकि Ag तक याद नहीं करवाए थे, तीसरे तक याद करवाए थे, है ना, कहाँ Ag, आप तीसरे तक तो यादें करवाते हैं सबसे, नौवां में बीसें तक पढ़ना ही है रहता है, बीसें तक तो यादें करता है बच्चा सब, है ना, दसवां में तीस तक कहाँ पढ़ना है, दसवां में 128 तक पढ़ना है, वो जय गो 114 गो 118 गो सब पढ़ना है ना, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं, पारा कहाँ तक होता है, मारते मारते दे तोड़ेंगे 20 से कम कर रहा होता है, पारा करोड़ों अरबों तक होता है, मगर कहाँ तक याद करते हो तुम, 20 तक, कोनो कोनो बच्चा 40 तक याद करता है, कोनो कोनो 20 तक याद करता है, कोनो 30 तक याद करता है, सब अपना अपना सोच लेते हैं, मगर काम 20 तक में हो जाता है कि नहीं हो जाता है,
20 सप्लाई याद कर लेते तो सब काम हो जाता है हम लोगों का, दिक्कत होता है? बाकी आपको कोई कहेगा कि भैया 200 × 8 मतलब पड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहते हैं 8 × 16 निकाल लेते हैं, है ना। तो पारा हम लोग होता था बहुत है, मगर याद क्या करते हैं हम लोग 20 तक ज़्यादातर याद करते हैं, ज़्यादातर बच्चों को 20 तक ही याद रहता है। अब बताइए इसमें भी हम लोग कम से कम 30 तक याद कर लीजिए, कहाँ तक याद कर लीजिए 30 तक के परमाणु को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपको पिटाई लगेगी। कल आपका होमवर्क में ये भी शामिल है कि परमाणु 30 तक के परमाणु का आपका परमाणु संख्या संकेत याद करना है, ठीक है, वो नाइन्थ वाला होमवर्क है। अब इसमें भी देखिए इसमें क्या होगा, इधर भी तो वही ना होगा, क्या क्या होगा बताइए, नहीं लाइन से वही लिखते हैं NaCl Ag NO, लाइन से लिखे तो ना बनाने में बनेगा बुआ, लाइन से नहीं लिखिएगा तो फिर आपको बताने में बनेगा, आप ठीक है ना। अब आपको हम लिखने में भी मजा आएगा, है ना, तो लिखते हैं और आप लोग समझिएगा। चलिए लिखते हैं संतुलित करते हैं, पहले देखते हैं संतुलित है कि नहीं। एन ए का है गो, एन कारी ए गो है, इधर एन ए का गो है ए गो, कैल्शियम अरे क्लोराइन क्लोरीन का गो है ए गो, इधर क्लोरीन का गो है ए गो, एजी का गो है ए गो, इधर एजी का गो है ए गो, इधर नाइट्रोजन का गो है ए गो, इधर नाइट्रोजन का गो है, इधर ऑप्शन क्या गो है, इधर ऑप्शन क्या गो है, संतुलित है ये है जो संतुलित है ये है तो काला कीजिएगा तो सब ये माने मेहनत बच गया आपका, संतुलित है ये है तो कौन कौन संतुलित रहता ही है तो संतुलित कैसे कीजिएगा उसको, है ना। इसमें लगता है क्या क्या है बोलिए, इसमें क्या क्या चीज़ है, बी ए है तो इधर है बी ए होगा, सी एल है तो इधर भी सी एल होगा, हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, सल्फर है तो इधर भी सल्फर होगा, ऑक्सीजन है तो समझा क्या, ये सर जी मारेंगे। देखिए ऐसा को देखते तो मन करता है हम ही बच्चे बन जाते हैं, आराम से लंच लेके आते हैं बैठ के खाते हैं, कितना मजा आता है। मम्मी क्या करती है लंच बना के देती है, कथी खाया बउआ कथी, हमारा बनाते हैं सबके खीर, तो जब तो सबई के खीर बनाता है, किसी का मोमो बनाता है, कथी 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 करे उसको चाउमीन चाऊ चाऊ क्या होता है उसको चाउमीन, मैगी 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 बना के ले आता है, कोनो कोनो रंग बना के चीज लंच लेके आता है, उसको देखिए आता मुँह में से पानी आ जाएगा कि भैया वो सब इतना था क्या, सब बैठ कर आराम से खूब बढ़िया से खाएगा, बच्चा का जिंदगी बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आता है उसको देखते हैं, मन करता है कि हम भी बच्चे बन जाते हैं। सबसे अच्छा लाइफ होता है बच्चा का, नो टेंशन नो हेडक नो हाइड्रोजन नो कैल्शियम नो क्लोरीन, इस सबको देख कर मन करता है हम भी बच्चे बन जाते हैं, पर क्या कीजिएगा सबका एक समय होता, अभी तक तो कुछ नहीं है आपको, आगे चल के पढ़िएगा तो और ज़्यादा पढ़ाई में होता है, दिन रात पढ़ता है लोग, अभी तो शुरुआत किए हैं। देखिए यहाँ पे अभी तो 5-6 घंटे 8-10 घंटे पढ़ते हैं, चलिए देखिए बेरियम का गो है इस बार ए गो, इधर बेरियम का गो है, क्लोरीन का गो इधर, इधर क्लोरीन का गो है, हाँ अलग, इधर हाइड्रोजन का गो है, इधर का गो हाइड्रोजन है, देखो पकड़ो ना, सल्फर का है कोई निकाली, एक है कौन है ये, ये चार ऑक्सीजन के हैं, ए इसमें भी गड़बड़ होता है, इसमें नहीं आता, चलो वो निकाल ले, देखिए जब बोर्ड पर बनवाएंगे चाहे जब कॉपी बनवाएंगे कितना पिटाई खाएगा। सल्फर यहाँ पे क्या को है, इधर भी क्या को है, संतुलित है ये है, ऑक्सीजन क्या को, ऑक्सीजन इधर इधर चार, कथी असंतुलित है, क्लोरीन अलग है ना, क्लोरीन कहाँ है इधर का ही, तो ठीक है इन्हें का ही ना बदलना होगा, तो क्लोरीन वाला में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना,
तो क्लोरीन कहाँ पर है, ये ना क्लोरीन है, तो 200 गुना तो खाली आई में नहीं कर सकते, पूरा में करना पड़ेगा। 200 गुना किए तो क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, वाह दोनों हो गया काम तमाम, ये भी दो गो और ये भी दो गो हो गया ना, हो गया। देख लीजिए आप, बेरियम एगो एगो, क्लोरीन दो गो, हाइड्रोजन दो गो, सल्फर एगो एगो, ऑक्सीजन चार गो बन गया।